आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सब कुछ जब जानने में आता है, जो कुछ भी नहीं जानना चाहता बच्चों को, जो कुछ भी नहीं जानना चाहता फिर भी उसको सब कुछ जानने में आता है, उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। बच्चों को बाहर लेकर जाएं। और जो जिसको कुछ भी जानने में नहीं आता लेकिन सब कुछ जानना चाहता है, उसे अज्ञ और अज्ञानी बोलते हैं। रिपीट करता हूं, जो कुछ भी नहीं जानता फिर भी वह सब कुछ जानने में आता है, उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वज्ञानी बोलते हैं। और जो कुछ भी नहीं जानता फिर भी सब कुछ जानना चाहता है, उसे अज्ञ और अज्ञानी बोलते हैं। जो कुछ भी नहीं करना चाहता लेकिन सब कुछ करने की शक्ति होती है, उसे भगवान बोलते हैं। जो कुछ भी नहीं कर सकता सब कुछ करना चाहता है, उसे संसारी बोलते हैं। जो सब कुछ देख सकता है और कुछ भी देखना नहीं चाहता उसे ईश्वर कहते हैं। जो सब कुछ सुन सकता है और कुछ भी नहीं सुनता, जो सब कुछ बोल सकता है कुछ भी नहीं बोल सकता बोलता, जो सारी दुनिया को घूम सकता है लेकिन एक कदम भी नहीं उठाता, जो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सकता है फिर भी वो सदा मुट्ठी खुली रखता है, सारे तीन लोग को कंपायमान कर सकता है लेकिन एक परमाणु को भी हिलाने का भाव नहीं करता, सारी दुनिया को भस्म करने की शक्ति रखता है लेकिन एक तिनको को भी भस्म नहीं करता, मुट्ठी में बांध करके सब कुछ खत्म कर सकता है लेकिन जिसके हाथ सदा खुले रहते हैं उसे भगवान कहते हैं, पूज्य कहते हैं, आराध्य कहते हैं, परमेष्ठी कहते हैं। इससे विपरीत जो कुछ नहीं देखता लेकिन सब कुछ देखने का भाव करता है, जो कुछ नहीं सुनता सब कुछ सुनने का भाव करता है, जो कुछ भी नहीं बोल सकता बोलने का भाव करता है, जो एक कदम नहीं चलता वो सारी दुनिया को नापने का भाव करता है, जो एक दाना भी नहीं खा सकता सारी दुनिया को खाने का भाव करता है, उसे पापी कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। और ये सबसे बड़ी भूल संसारी प्राणी में है, असमर्थ कुछ करना चाह रहा है, समर्थ हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है। जो समर्थमान है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा है और जो असमर्थमान है, जिनके हाथ ही नहीं है, वो सारी दुनिया को मुट्ठी में बांधने का प्रयास करता है।
जो सारी दुनिया को मिटा सकता है लेकिन मिटाने का भाव छोड़ दिया है, जो एक मच्छर को भी नहीं मिटा सकता वो सारी दुनिया को मिटाने का भाव कर रहा है। हमारे शास्त्रों में ये सबसे बड़ा पाप होता है। पाप वह बड़ा नहीं है जो तुम कर बैठते हो, पाप सबसे बड़ा वह है तुम कर नहीं पाते हो फिर भी करने का भाव करते हो। एक व्यक्ति हिंसा करेगा तो एक बार में एक व्यक्ति को मार पाएगा। अधिक से अधिक अभी तक कोई व्यक्ति दिन भर में जीवों को मार पाया तो 10,000 का उल्लेख है। सुबह से मारने बैठा तो शाम तक वो 10,000 को मार सका, जिसका नाम था गांगे तात्श्री भीष्मताप। उनका रिकॉर्ड था कि युद्ध में उतरने के बाद 10,000 योद्धाओं को निपटा देता था तब सूर्य अस्त होता था। इससे ज्यादा का रिकॉर्ड कभी बना नहीं, वो समर्थ थे। एक रिकॉर्ड बनता है जो बिल्कुल असमर्थ है, वो एक क्षण में सारी दुनिया को मिटाने का भाव कर सकता है। मिटाएगा एक को भी नहीं लेकिन सारी दुनिया को। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा पापी उसे कहा गया। एक उदाहरण आता है तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य यानी चावल के बराबर जिसकी आकृति होती है, और एक मत्स्य होता है 1,000 योजन का, 1,000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में रहता है। जो एक बार मुंह फैला दे तो लाखों करोड़ों अरबों मछलियां उसके पेट में चला जाए पता ही नहीं चले। वो एक मछली भी नहीं खाता। और आंख में रहने वाला वो छोटा सा मत्स्य जो उसकी आंख में रहता है, आप लोग जिसे मिक्खू बोलते ना, वो आंख में भिनभिनाता है, छोटा सा होता है, वो आंख में बैठे बैठे भाव करता है ये मूर्ख देखो इसके मुंह में इतनी मछलियां आ रही जा रही, वो मुंह बाके सो रहा है। मत्स्य एक नहीं खा रहा, मैं होता तो समुद्र की एक भी मछली को नहीं बचने देता। और एक भी मछली नहीं खाता जिंदगी में, हिंसा करते ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती, वो तो इतना छोटा सा है। लेकिन इतना भाव करता है कि इसके स्थान पर मैं होता तो समुद्र की एक भी मछली उसी इतने परिणाम मात्र से वो 7 रख की आयु का बंद कर लेता है चावल के बराबर। तो कौन हुआ सबसे बड़ा पाप? यदि मगरमच्छ वो मत्स्य जो है खाएगा भी तो उतना ही तो खाएगा जितना पेट में बनेगी, उतना ही तो मारेगा जितना मुंह में, लेकिन इस छोटे से मत्स्य ने कितनी मार डाली? पूरे समुद्र की मछलियां एक परिणाम में मार डाली एक क्षण। तो दोनों में सबसे बड़ा पापी कौन है? बहुत बड़ा मोटिवेशन। सबसे बड़ा जीव व्यक्ति पाप वह नहीं कर रहा है जो वो कर रहा है, वो उतना बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप वह है जो कर नहीं पा रहा है लेकिन करने का भाव कर रहा है। तुम कर भी नहीं पाओगे जिंदगी में, कर भी नहीं पाओगे फिर भी तुम करने का भाव करते हो। जैन दर्शन कहता है सबसे बड़ा पाप कौन सा है वो छोड़ो,
जो ना तुम कर रहे हो ना कर पाए हो और ना जिंदगी में कर पाओ। यदि तुम्हारी जिंदगी में कभी क्रमबद्ध सुधरने का भाव हो तो ये भाव जरूर कर, क्योंकि व्यक्ति 24 घंटे एक ही भाव कर रहा है। विगत रविवार को हमने यही बात तुमसे कही थी और अभी 7 दिन तक यही बात चलती रही कि व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है वो सब कुछ करना चाहता है, मैं सब कुछ करूं और कर कुछ भी नहीं पाना, कुछ भी नहीं कर पाना, फिर भी करने का भाव आ रहा है, फिर भी करने के परिणाम आ रहे हैं। हम जिस समय जो सोचें वो होना चाहिए भाव है। शेयर करना आज सब में, यदि कोई तुम्हें वरदान देवे कि बताओ कौन कौन व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं जो कुछ सोचूं वो सब होना चाहिए, ये किसकी भावना नहीं है। मैं जो कुछ सोचूं वो सब होना चाहिए, ये किसकी भावना नहीं है। कोई हाथ उठा रहा? कोई नहीं उठाएगा, मेरे से भी मत उठवाना क्योंकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपना, बस यहीं से हमारी जिंदगी का विनाश होता है। जब जब हमारे मन में ये भाव आवे, महानुभाव हम और आप कोई भी हो, कि मैं जो सोचूं वह हो जाए, बस समझ लेना आपका डाउनफॉल चालू है, आपका पतन चालू है, आपका विनाश चालू है, अब शगुन हो गया। निश्चित समझना कोई दुनिया की ताकत नहीं, आप ऊंचाई से गिरने वाले हैं, आप ऊंच से नीच बनने वाले हैं, आप जैन कुल के उच्च कुल में जन्मे हैं, आपका जन्म उस समय आयु का बंद हो जाए तो नीच कुल में जन्म होगा, नीच कुल में जन्म होगा, निकृष्ट परिहार में, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या भाव आ गया कि मैं जो सोचूं वह हो जाना चाहिए। महानुभाव जीतो इस बात को, जीतो। 99% लोगों का पतन क्यों होता है? हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं जो नीच गोत्र में पड़े हैं, नीच योनि में पड़े हैं, नरकों में पड़े हैं, त्रियंचों में पड़े हैं, कुत्ते बिल्ली पर्याय में पड़े हैं, निम्न है, उनकी चर्चा नहीं कर रहे, वे तो फल भोग रहे हैं। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो आज सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, जो सबसे आज पुण्य का उदय का फल भोग रहे हैं। विगत दिनों बताया था, इस समय जितने लोग यहाँ पंडाल में हैं, ये सारे संसार में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय इस समय आप लोगों का है। सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम्हें कितने टाइटल दूं? पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी, मैंने कहा था ये स्थान उन्होंने सुना कि तुम किस समय मरना चाहोगे, तुम मौत कहाँ चाहते हो, कब चाहते हो? मरना तो निश्चित है, मरना तो बस इतनी च्वाइस अपन कर सकते हैं कि साहब मरना तो है ही, लेकिन इस स्थान पर मरूं, इस समय मरूं, ये च्वाइस हमें दी गई। पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि प्रभु मरना तो निश्चित है, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कभी मरूँ ही नहीं, क्योंकि ना आप ये आशीर्वाद दे सकेंगे और मोह के कारण दे दोगे
तो ये आशीर्वाद सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का ध्रुव शत है। बस मेरी इतनी छोटी सी मांग है कि मैं मेरा मरण हो गुरु मूले यति निचते चैत सिद्धांत वार्धि सदघोषे, मंदिर हो, मुनि महाराज हो, और उस समय निकले जब मुनिराज का मैं प्रवचन सुन रहा हूं, उस समय मेरा मन। गजब की बात, ये बात जब मैंने पढ़ी, मैंने कही भगवान मरने के लिए तो सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च समय चुना जाता है, इससे गति कौन सा स्थान चुना? प्रवचन सभा, गुरु के मुख से वचन निकल रहे हो, और बस उस समय ये मौत का जो नियोगी नियम है हो जाए, हम मौत से नहीं डर रहे हैं, बस प्रवचन सभा में मिल जाए तो हमें स्वीकार। इससे कितना बड़ा मोटिवेशन मिला कि इस समय जो गुरु के सामने बैठा है वो जगत का सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। जैन कुल में भारत में जन्म लेना ही पुण्य है, भारत से फिर जैन कुल में जन्म लेना पुण्य है, जैन कुल में आगरा में जन्म लेना पुण्य है, आगरा में भी चतुर्मास में जिंदा रहना पुण्य है। तो कोरोना में मर जाते तो क्या कर लेते, कोरोना में मर जाते तो क्या करते, तो चतुर्मास तक जिंदा रहना ये भी पुण्य है। आगरा के आसपास वालों का भी पुण्य है, दिल्ली वालों का पुण्य, पास में है ना, वो टूंडला है, यवतमाल है, क्या ना, फिरोजाबाद है ये, हाँ, तो इन सबके पुण्य है। मैं इस पुण्य को तुम्हारे नकार नहीं रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, महान पुण्य। और उसमें भी आज जिंदा रहना चतुर्मास में ये बहुत बड़ा पुण्य है, जिंदा रहने के बाद भी प्रवचन सुनने का भाव हो जाना ये बहुत बड़ा पुण्य है। कितने आगरा में जैनी हैं जो जिंदा रहने तक पुण्य है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन आखिरी वाला पुण्य उनका नहीं है। आखिर जिंदा रहने तक तो वो है कि जब महाराज का चतुर्मास होगा हम आगरा में जिंदा रहेंगे, ये पुण्य तो है, लेकिन चतुर्मास में मैं प्रवचन सभा में जा पाऊंगा ये पुण्य कितनों का नहीं है और कितनों का है। इस पुण्य से वो वंचित है, कारण कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, प्रमाद हो सकता है, रुचि का अभाव हो सकता है, मेरा प्रवचन सुनने मन नहीं लगता, रुचि नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो सकता है। तुम कोई भी कारण कर लेना, सिद्धांत तो एक ही बात कहता है, तुम्हारा पुण्य ही नहीं है, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम प्रवचन सभा में झुनका करके प्रवचन सुन लो। कर्म सिद्धांत तो एक ही बात कहता है, जो नहीं आ पा रहा है वो किस कारण नहीं आ पा रहा है, ये तो सामाजिक व्यवस्था है, आज घर में काम आ गया था, आज बीमारी आ गई थी, एक्स वाई जेड बहुत सारे कारण, ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम प्रतिदिन मंदिर जा सको, तुम्हारा जब भी अभिषेक करने का मन नहीं हो तो ये मत समझना कि मैं अभिषेक करने का मेरा मन नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं, कर्म सिद्धांत कहता है तू इस लायक ही नहीं है कि तू अभिषेक कर सके, तेरा पुण्य ही नहीं है, इसलिए तेरे परिणाम ऐसे हो रहे हैं। एक बार एक बड़े व्यक्ति से कहा, बोले महाराज जी हमारे गांव में बहुत बड़े सेठ जी हैं, खूब पैसा है इनके पास, लेकिन बिल्कुल दान नहीं देते, दान के नाम पर तो महावीर जयंती के चंदा में भी भाग जाता है, और पैसा खूब है, आमदनी खूब है। मैंने कहा भैया उसकी गलती नहीं है,
उसकी गलती नहीं है, ये हमारे धर्म का अतिशय है, धर्म का अतिशय, ये हमारे धर्म का चमत्कार है, ये हम देव साध गुरु का चमत्कार है, क्योंकि वो जैन है और वो दान दे देगा मंदिर में। मंदिर कहता है कैसे रोकूं, समर्थ है देने में, बस इसके परिणाम बिगाड़ दो, इस पापी का मन धन मेरे मंदिर में न लग जाए, ये भगवान का अतिशय है, उसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कभी भी हो तुम्हारा मन दान देने का ना हो, समझ लेना ये भगवान की बहुत बड़ी कूटनीति है। धर्म भी बहुत कूटनीतिक होता है, राजनीति नहीं, कूटनीति ही होती है धर्म के बाद। इस पापी को कैसे दूर करें धर्म से, इसको कंजूस बना दो, इसके मन में कुछ ऐसी बात भर दो जिससे इसके दान देने के भाव ही ना हो, परिणाम ही ना हो, ये धर्म का अतिशय कहलाता है। तुम जब मंदिर आने का भाव नहीं करते हो, नहीं होता महाराज मेरे मंदिर आने का मन, नहीं होता मेरा मन कि मैं अभिषेक करूं, मैं तुम्हें दोष बिल्कुल नहीं दूंगा। कर्म सिद्धांत कहता है कि धर्म का अतिशय है, धर्म कहता है, भगवान कहते हैं, पॉलिसी कहती है, इस पापी की नजर मेरे ऊपर न पड़ जाए, इसकी नजर इतनी बेकार है। अब को समोषण में रोक दिया जी, क्या फर्क पड़ता था भगवान का, अभव्य दर्शन कर लेता तो, अभव्य दर्शन कर लेता तो क्या फर्क पड़ता है। समोसर तक पहुंच गया, 8 परकोटे पार कर गया, भगवान इतने अंदर थे जैसे कि अपने पंडाल के बाहर, थोड़े से 10 कदम बाद भगवान बैठे थे, दिख जाते, सारी सीमा बांध दी, नहीं, क्यों, एक दृष्टि अशुद्ध करती है, अशुद्धि एक छूने से होती है, तो यह नेत्र अशुद्धि, नेत्र से भी शोषण होता है, जिसे दृष्टि शोषण बोलते हैं, दृष्टि बुरी होती है, दृष्टि से नजर लगती है, दृष्टि से अशुद्ध होता है, दृष्टि से शोषण होता है, कानून में आया कि इसने दृष्टि शोषण किया है, इसने बुरी नजर से देखा है उसको, तो मैंने इसको छुआ तो नहीं है, नहीं छुआ, लेकिन आपने दृष्टि से छुआ है, अशुद्धि होती है, और दृष्टि अशुद्धि इतनी खतरनाक है महानुभाव, कि त्रिलोकीनाथ भगवान को भी अशुद्ध कर दे, भगवान को अशुद्ध कर दे। अरे प्रभु, आपके लिए क्या सीमा है, क्या भव्य, क्या अभव्य, क्या सम्यक दृष्टि, क्या मिथ्या दृष्टि, आप तो महान है, आपको कौन अशुद्ध कर सकता है, क्यों इस पापी को रोका जा रहा है, क्यों अभव्य कूट बनाया गया। मैंने इस संबंध में बहुत भारी चिंतन किया, मैं तो प्रभु को मानता था कि ये सूर्य के समान है, हर व्यक्ति को प्रकाश है, ये महान वीतरागी हैं, कोई भी दर्शन करे, कुछ भी करे, लेकिन प्रकृति ने नियम बना दिया, एक पापी ऐसा है अभव्य जिसकी नजर भगवान पर नहीं पड़ना चाहिए, नजर नहीं पड़ना। अरे वो अंधा हो तो हो जाए, उसको दिखे या ना दिखे वो बात अलग है, भगवान के पास जाकर वो भगवान का तेज सहन नहीं कर पाता, वो अंधा हो जाएगा, ये मैंने आगम में नहीं पढ़ा, ये ऐसा कहते हैं कि अभव्य जाके मन वहां जाएगा, भगवान के तेज के सामने चकाचौंध हो जाएगी, वो अंधा हो जाएगा, ये हमने सिद्धांत में नहीं पढ़ा, आगम में नहीं पढ़ा, ये जरूर पढ़ा कि अभव्य की दृष्टि भगवान पर नहीं पड़ना चाहिए, भगवान का दर्शन नहीं होते, क्यों, क्या भगवान अशुद्ध हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा पापी है जिसका कल्याण कभी होना ही नहीं, भगवान के दर्शन मिलने पर भी इसको सम्यक की उपलब्धि नहीं होगी,
इसलिए उसे रोक दिया, रोक दिया। एक आचार्य महाराज ने तो पूज्यवर यति वृषभ आचार्य महाराज ने एक आचार्य का संग्रह किया कि मिथ्या दृष्टि, गृहित मिथ्या दृष्टि जो है मानसतम के अंदर मत जाने देना, मिथ्या दृष्टि पापी का कदम समोषण की धूली साल से अंदर नहीं पड़ना चाहिए। मानसतम बनाया कि यहीं रोको पापियों को, यहीं रोको मानियों को, यहीं रोको अहंकारियों को, यहीं रोको मिथ्या दृष्टियों को, अंदर मत जाने दो, क्योंकि ये इतने पापी हैं कि समोषण बहुत पवित्र है, इनके आने से अपवित्र हो जाएगा। समोषण सभा बहुत पवित्र है, इनके आने से अपवित्र हो जाएगी। प्रभु त्रिलोकी नाथ पवित्र हैं, इनकी दृष्टि से अपवित्र हो जाएगी, रोक दो वहीं। कितनी बड़ी कूटनीति है। तुम समझ रहे हो कि मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, धर्म कहता है रे पापी मैं तुझे मंदिर में नहीं आने दूंगा, तेरे परिणाम बिगाड़ दूंगा, तुझे समस्या बता दूंगा, तुझे विपदा में डाल दूंगा, तुझे काम में उलझा दूंगा, तू नहीं आ पाएगा, तेरे अभिषेक का भाव हो गई नहीं, क्योंकि तेरे छूने से अभिषेक का लोटा अपवित्र हो जाएगा और तेरे जल ढालने से मूर्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए पापियों को रोकने के कर्म सिद्धांत ने बहुत तरीके अपनाए, बहुत तरीके। मत सोचना कि ये तुम्हारा है कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं, नहीं, मंदिर तुझे रोक रहा है ये भाव का। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी फलाना व्यक्ति बहुत मुनि भक्त परिवार था, ये हमेशा चौका लगता था, आजकल ये नास्तिक हो गया है, कंजाइष्ट हो गया है और मुनियों को हार नहीं देता है, देता ही नहीं, मुनियों की तरफ जाता ही नहीं, देखता नहीं, कुछ भी नहीं करता। मैंने कि उसकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी अंजलि का अतिशय है कि उस पापी को कैसे रोकें, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, ये अपने आप हार नहीं दे पाएगा, ये अंजलि की कूटनीति है, कूटनीति, कर्म सिद्धांत बता रहा हूं, रोकने का तरीका है, क्योंकि रोक नहीं सकते, वो जैनी है, बल्दियत से जैनी है और वो धोती दुपट्टा पहन के हार देने आएगा, रोकने का कोई कानून अधिकार नहीं, क्योंकि बल्दियत से कैसे रोकोगे, शुद्ध कपड़े पहन के आया कैसे रोकोगे, रात्रि भोजन त्याग रहा है कैसे रोकोगे, जो तुम कहो वो सब नियम ले रहा है, अब कैसे रोको भाई, रोकने का कोई बहाना, सारे नियम ले रहा है। और अंजलि कहती है इस पापी के हाथ का हार इस अंजलि में नहीं आना चाहिए, मात एक ही तरीका है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो और इसके मन में भर दो कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, जिससे ये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मूर्ख तू सोच रहा है कि मैंने हार देना बंद कर दिया, कूटनीति है कि तुझ पापी को इस अंजलि ने बाहर कर दिया। ये कंजाइस्ट पैदा किए हैं तो हम मुनियों की अंजलि ने पैदा किए हैं, इनको दूर करने का ये तरीका था। फॉर एग्जाम्पल, वैष्णव दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण एक बार विद्या सिद्ध करने बैठा, तो विद्या सिद्ध करने का उसका भाव था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सो। जैसे उसने ये भावना की, सारे 3 लोक में तहलका मच गया कि कुंभकर्ण 6 महीने जागेगा, सबको मार डालेगा। तो फिर देवताओं में मीटिंग हुई, उनका कोई तरीका नहीं है, उसने इतनी बड़ी साधना की है कि विद्या सिद्ध तो होगी, इतनी बड़ी तपस्या की है कि वो जो मांगेगा वो तो देना पड़ेगा, उसको तो कोई नहीं, देवता ने कहा कोई नहीं रोक सकता, उसका फल कौन रोकेगा, नहीं तुझे नहीं दे, नहीं मैंने तपस्या की। आप जैनियों के यहाँ कोई मजदूर शराबी मांसाहारी मजदूर मजदूरी करे
क्या तुम रोक सकते हो कि भाई मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तू शराब पिएगा? यदि आपने मजदूरी करा ली है तो आप ये पूछने के अधिकारी नहीं, आपको तो देना। आप ये नहीं कहते भैया ये जैन साहब का पैसा है शराब ने पीना, कुछ नहीं, आप मेरे मजदूरी दीजिए। मजदूरी के बाद वो क्या करेगा उस पर तुम्हारा कोई अधिकार। तो यही हुआ निर्णय कि किमिक्षिक वरदान देना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करें, अब निर्णय हुआ सरस्वती जाकर के इसके दिमाग में बैठ जाए और ये जब बोले कि 6 महीने जागूं एक दिन सोऊं तो इसकी बुद्धि पलट दे और बोलते समय ये कह दे 6 महीने सोऊं एक समय जागूं और तुरंत ब्रह्मा जी कहें तथास्तु, बुद्धि पलट दी ना। यही करता है ये कर्म, यही करता है कर्म, बुद्धि को पलट देता है। क्योंकि तुम योग्य हो, कर सकते हो, और तुम्हारी योग्यता नहीं है कि तुम मंदिर जा सको। बुद्धि ने कहा इसकी बुद्धि पलटो, इसके मंदिर जाने का भाव नहीं हो। मोहिनी कर्म यही करता है। दर्शन मोहिनी आते ही कहता है इसको खोटे के पास जावे तो जावे, चोखे के पास नहीं जावे। दर्शन मोहिनी ये 8ों कर्म बहुत कूटनीति हैं। सबसे बड़ा कूटनीतिक है दर्शन मोहिनी कर्म। ये इतना उल्टा कर देता है, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा, अनंत चतुष्टय का धनी आत्मा। कल ही दोपहर के स्वाध्याय में आया कि शक्ति अपेक्षा सब अनंत शक्तिमान है, लेकिन कर्म कहता है इसने इतना गलत कार्य किया है, इसने सच्चे गुरुओं का अपमान किया है, इसने सच्चे देव का अपमान किया है, इसने जिनवाणी का अपमान किया है, अब इस पापी को यहाँ तक नहीं जाने देना। प्रकृति ने उसको दर्शन मोहिनी कर्म बांधा उस समय जिस समय तू केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहश। उज्ज्वल मां स्वामी महाराज ने गुरु कुदेव कुशास्त्रों को मिथ्यात के बंध की चर्चा नहीं की, उनका ये तो पहली क्लास की चर्चा है। क्या गजब जैनियों का उपदेश है, कितनी गजब की चीज है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र नहीं कहे, हालांकि इसमें आ जाएंगे। केवली श्रुत संग धर्म देवा, सब सम्यक हैं, केवली सम्यक है, धर्म संघ साधु इनको देख करके इसने कभी उपहास किया था, नकारा था, निंदा की थी, आलोचना की थी, घृणा की थी, मैं नहीं मानता भगवान भगवान को, ऐसा परिणाम किया था। कर्म ने कहा ये, उसी समय प्रकृति ने कहा इसको गिरफ्त में ले लो, इसको गिरफ्त में ले लो, इसने अपमान किया है सत्य धर्म का, इसको गिरफ्त में ले लो। और तुरंत दर्शन मोहिनी की हथकड़ी डल गई। अब वो दर्शन नीति, अब मोहिनी क्या करेगा, कूटनीति देखना, प्रकृति की कूटनीति, सारे ब्रह्मांड की कूटनीति, कहेगा कि अब इसको मंदिर नहीं जाने देना, इसको कुगुरु के पास भेजो, कुदेवों के पास भेजो, कुशास्त्रों के पास जावे, सच्चे देव शायद गुरु की सीमा में भी नहीं जा पाए। ये कौन बुद्धि भटक रहा है, हर मिथ्या दृष्टि अपना कल्याण चाहता है कि नहीं, बोलो, हर व्यक्ति सुख चाहता है कि नहीं, संसार का हर व्यक्ति सत्य चाहता है कि असत्य, बोलो, सब दुनिया के व्यक्ति क्या चाहते हैं, मुझे सच्चा गुरु मिले, सच्चा शास्त्र मिले, सच्चे देव मिले, सत्य का मुझे ज्ञान हो, अच्छा हो, सब चाहते। लेकिन दर्शन मोहिनी कहेगा नहीं, दर्शन मोहिनी उसकी मति भ्रष्ट करेगा, खोटे देवों के पास जाएगा, चोखे के पास जाने का मन ही नहीं होगा, खोटे गुरुओं के पास जाएगा, छोटा गुरु उसके नगर में बैठा रहेगा, घर के बाजू में बैठा रहेगा, उसका भाव ही नहीं होगा। कौन कर रहा है, दर्शन मोहिनी कहता है इस पापी को सच्चे देव की सीमा में न चला जाए, ये पापी प्रवचन सभा में न चला जाए,
हे पापी कहीं ऐसा ना हो कि माला फेर लेवे, हे पापी कहीं अभिषेक का लोटा ना ले लेवे और उसके परिणाम ऐसे बिगाड़ते हैं कि जैन कुल में जन्म लेकर के भी वो सच्चे देव साध गुरु की परिधि में नहीं जा पाता और खोटे देव साध गुरु में पड़ा। तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती तो अतीत में हुई थी, अब तो कूटनीति के चक्कर में पड़ गया और ये कर्म तुझे उल्टा ले जाएगा। कोई व्यक्ति गलत नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति अहितकारी कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार तुमने अच्छे कार्य की मजाक उड़ाई थी, अच्छे लोगों की मजाक उड़ाई थी, सज्जन लोगों के प्रति बुरे भाव किए थे, उनकी हंसी मजाक उड़ाई थी। कर्म कहता है तुरंत चारित मोहिनी कर्म बंधा, कहा इस पापी को अच्छे कार्य करने का मन नहीं होवे, जैन कुल में जन्मा है इसको अभक्ष खाने का मन हो, भक्ष खाने का नहीं, दिन में खाने का नहीं रात में खाने का मन हो, ये धर्म कर्म को कुछ नहीं माने, कोई क्रिया नहीं कोई आचरण नहीं, कुल के विपरीत कार्य करेगा, शराब पिएगा जुआ करेगा कुछ नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी कूटनीति है। पूर्व भव में जो तुमने धर्म और धर्मात्मा की हंसी उड़ाई थी, कर्म ने तुम्हें गिरफ्त में लेकर कहा अब तेरे परिणाम ही नहीं होंगे। कर्म कहता है कहीं ये अच्छा ना खा ले वे, इसकी मति भ्रष्ट करो, क्योंकि ये पापी है, ये व्रत ना ले ले वे, ये नियम ना ले ले वे, यदि व्रत नियम ले लिया तो इस पापी को मैं सजा कैसे दे पाऊंगा, इसलिए पापी को और अपराध कराओ तभी मैं इसको नरक भेज पाऊंगा। कर्म की कूटनीति, तुम पापी कैसे बनोगे, पाप का नशा तुम्हारे सिर कैसे चढ़ेगा। कर्म कहता है इसको नरक भेजना है, इससे पाप कराओ अपराध कराओ, चाहे धन दौलत देके कराना पड़े चाहे कैसे ही कराना पड़े, इसको पापी बनाओ और दुर्गति भेजो। सावधान महानुभाव, जब जब आपका परिणाम ऐसा विपरीत हो रहा हो समझ लेना कोई गलती हुई है। मेरे पास धन है दान देने का भाव नहीं हो रहा, सावधान। मैं जैन हूँ फिर भी अभक्ष नहीं छूट रहा है, मैं जैन हूँ फिर भी शराब की मन हो रहा है, मैं जैन हूँ फिर भी गुटखा खाने का मन हो रहा है, मैं जैन हूँ फिर भी रात में खाने का मन हो रहा है, मैं जैन हूँ अभक्ष खाने का मन हो रहा है, सावधान। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ, सावधान, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये धर्म की कूटनीति है कि तुम इतने पापी हो चुके हो ये भगवान अपने मंदिर के दरवाजे नहीं बुलाना चाहता, वो कहता पापी की नज़र मेरे ऊपर ना पड़े, पापी के कदम मेरे मंदिर में ना पड़े, ये पापी के हाथ से मुनिराज की अंजलि में ग्रास न चला जाए, ये अभिशाप। मैं उन लोगों को सावधान कर रहा हूँ जो अच्छी बातों से दूर है, जो अच्छी बातें सोचते भी नहीं हैं, जो अच्छा देखते भी नहीं हैं, सब कुछ बुरा बुरा दिखता है, अच्छा सुनते भी नहीं सब बुरा सुनते हैं, अच्छा बोलते भी नहीं सब बुरा बोलते हैं, अच्छा खाते भी नहीं बुरा खाते हैं। सावधान, तुरंत तुरंत इस बीमारी से मुक्त हो, तुरंत इस अभिशाप से मुक्त हो, तुरंत जैसे ही पता चले कि मेरे मन में कुछ पाप करने का भाव आ रहा है, जैसे तुम्हें मन में भाव आए कि मुझे धर्म छोड़ने का भाव आ रहा है, तुरंत समझ जाना आपको बहुत डेंजर बीमारी है, कैंसर से भी खतरनाक, कैंसर से भी खतरनाक। जैसे कैंसर हो जाए तो व्यक्ति आधा तो वैसे ही मर जाता है नाम सुनते ही, ऐसे ही तुम मर जाना,
तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पसीना पसीना हो जाए, क्यों? मैं जैन होकर मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा है, मैं जैन होकर अभक्ष खाने का मन हो रहा है, मैं जैन होकर गुटखा शराब करने का मन हो रहा है, मेरे जैन होने के बावजूद इतने बुरे भाव हो रहे हैं, मैं जैन होने के बाद मेरी आँख बुरा देख रही है, बुरा सुन रही है, मैं बुरा बोल रहा हूँ, बुरे स्थान पर जा रहा हूँ। महानुभाव बहुत सावधान, तुरंत सारी यात्राएं स्थगित करो और डॉक्टर को ढूंढो, इस बीमारी का इलाज कौन डॉक्टर करेगा? उज्जवर नेमीचंद महाराज लब्धिसार में तुरंत ऐसे मिथ्या दृष्टि को तुरंत चेताया। दो लब्धियां जिसके अंदर हो गए, विशुद्धि और क्षयोपशम लब्धि, कि मेरे अच्छे कार्य का मन क्यों नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसा है दान देने का मन क्यों नहीं हो रहा है, मैं दिन में खा सकता हूँ रात में क्यों खाता हूँ, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है? तुरंत डॉक्टर को ढूंढो। बस ऐसे मरीजों के लिए ही गुरु की जरूरत होती है, इसका नाम है। बस अब गुरु की शुरुआत हो गई। डॉक्टर बीमार नहीं तो डॉक्टर की कोई कीमत नहीं। डॉक्टर की कीमत कब है? जब अपन को महसूस हो कि हम बीमार हैं तो डॉक्टर। जब तुम्हें ऐसा कभी महसूस हो, या तुम्हारे परिवार के प्रति महसूस हो, या किसी के प्रति महसूस हो कि ये व्यक्ति धर्म से दूर भाग रहा है, कर्म ने इसे धर्मात्मा बनने के पूरे साधन दिए, भारत देश दिया, जैन कुल किया, जैन जाति दी, सब कुछ दिया, आगरा में चतुर्मास दिया, ये सारे पुण्य किए, फिर भी इसके चतुर्मास में लाभ लेने का भाव नहीं आ रहा है, महानुभाव आप यदि उसके गार्जियन हो तो तुरंत दुनिया भर के काम छोड़कर अस्पताल में लाओ, MD जैन कॉलेज में हरि पर्वत। प्रमाद मत करो, फर्स्ट स्टेज पर ही ऑपरेशन हो जाने दो, फोर्थ में कैंसर पहुंच गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आयुबंध के बाद फिर हम कुछ भी करवाए, आयुबंध होने के पहले तुरंत इलाज करा दीजिए। ये क्यों हो रहा है महाराज? मैं इतना पुण्य लेके आया हूं कि आगरा में जैन कुल में जन्म गया, इतना पुण्य लेके आया हूं कि आपका चतुर्मास हो रहा और मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, फिर भी मेरा लाभ लेने का भाव नहीं हो रहा है। महानुभाव अभी सप्त हो आप, बीमारी है आपको, और यहीं से होती है देशना लब्धि शुरू, यहीं से होता है उपचार चालू, फिर गुरु उसको काटेंगे, गुरु अपनी साधना से उस कूटनीति से निकालेंगे, गुरु सूत्र देंगे, वो कर्म थोड़ा ढीला पड़ेगा, वो अभिशाप भी, दुनिया का कोई भी अभिशाप हो, दिगंबर मुनि के सामने आते ही वह अभिशाप खंडित हो जाता है। मैंने खुद देखा है, अभिशाप मैंने खंडित होते देखे हैं, मैंने किसी अभिशाप को खंडित नहीं किया लेकिन खंडित हुए हैं। दो संस्मरण तुम्हें सुनाता हूं। एक बजरंगढ़ का क्षेत्र है, 92-91 की लगभग बात है, सन आगे पीछे हो, वहाँ एक पानी की बोरिंग होना थी, तो आप लोग करते हैं कमेटी, डॉक्टर महावीर प्रसाद जी उस समय थे, महाराज जी हम बोरिंग शुरू कर रहे हैं, मैंने करो आपका काम। जैसे ही बोरिंग शुरू की, एक दादाजी थे, ब्राह्मण थे, वो मेरे से आए, बोले मुझे महाराज से अर्जेंट में मिलना है। वो मिले, मेरे ऊपर छत पर बैठा था, बोले महाराज जी आपने बोरिंग के लिए आशीर्वाद तो नहीं दे दिया? मैंने कही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले महाराज दे मत देना, लेकिन उन्होंने हमने कहा नमोस्तु तो किया, तो हाथ तो उठा दिया था, कही महाराज दे मत देना, आप दिगंबर साधु हैं, आप लोगों के वचन झूठे नहीं होते, आशीर्वाद झूठे नहीं होते हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, पानी नहीं निकलेगा।
मैंने कि भाई क्या बात है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने क्या बात है, बोले महाराज यहाँ 400 साल पहले एक बाबा का अभिशाप है कि नगर के कुएं में एक पनिहारन से उसने पानी मांगा, तो उस पनिहारन ने पानी नहीं पिलाया, वो बाबा ने अभिशाप दे दिया, जा आज के बाद तेरे गांव में कहीं पानी नहीं आएगा, गांव नगर के बाहर कुओं से तुझे सिर पे भर के ले जाना पड़ेगा। तब से वहाँ वो पानी नहीं है, 400 साल से बजरंगगढ़ के अंदर पानी नहीं था। सरकार ने 50 बोरिंग करा लिए, कितने ही गहरे करा लिए पानी नहीं निकला, कितने ही करा लिए पानी नहीं निकला। बोले महाराज जी मैं आपसे विनती करने आया हूं कि आप आशीर्वाद मत देना, क्योंकि ये जुला अब ऐसी चीजों में मेरा तो तुम जानते हो मेरा थोड़ा मामला उल्टा। अब मैंने कहा अब आएगा मजा। पहले तो मैं कोई बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, अब मैं शांतिनाथ भगवान के पास पहुंचा। हमारे पास तो एक ही शरण है, मैंने कि भगवान अभिशाप है कि नहीं ये तो मैं कुछ जानता नहीं, उन्होंने कहा है आप सर्वज्ञ सब जानते, बस अब तो कुछ भी हो जाए महाराज भगवान मैं आशीर्वाद तो दूंगा। तो भगवान कहते हैं मन में क्यों उलझन में पड़ता है झगड़े, तो तुझे क्या लेना देना है, पानी निकले तो नहीं निकले तो क्या। मैंने कि नहीं भगवान हाथ में खुजली चल रही है आशीर्वाद तो दूंगा, और मैं कहने आपके पास इसलिए आया हूं कि फिर आगे की बात आपसे, क्योंकि मैं आपको भी फंसाऊंगा। यदि नहीं निकला तो मैं आपकी शांति धारा करता हूँ करवाता हूँ और ये जल ढालूंगा, नहीं निकला तो आप भी बदनाम, आपकी शांति धारा बदनाम, और आप बदनाम हो जाए तो हमारी बदनामी का कोई मान। महानुभाव भगवान की शांति धारा की मैं खुद गया वहाँ और शांति धारा के गंधोदक की दो बूंद वहाँ डाली। पूरी रात भर से बोरिंग चली थी, धुआं के अलावा कुछ नहीं निकला। वो बर्मा होता ना घूमता रहता है, धुआं धुआं निकल रहा था। जैसे ही गंधोदक की बूंद डाल करके मैं आया और उपदेश की सभा चल रही थी, स्वाध्याय चलता था, मुश्किल से आध घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 20-25 मिनट के बाद उसमें से एक इतने जोर की आवाज़ आई, इतने जोर की आवाज़ कि हम जहाँ बैठे थे वहाँ भी हिल गए। और वो आवाज आने के बाद जो पानी की पिचक छूटी, जो वो होता ना उसका मशीन, उससे भी ऊपर निकल गई, उससे भी ऊपर निकल। सबने कहा महाराज जी पानी आ गया। मैंने कहा फिर मैं तुरंत भगवान, भगवान जी आपने लाज रख दी, जिसकी कृपा हो उसका आभार मानने से कभी मेरे थोड़ी अतिशय था, वो तो शांतिनाथ भगवान का अतिशय था शांति धारा की। तो मैंने प्रभु के पास जाके कहा। एक दूसरी स्थिति बनी हमारी, मैं वो बता रहा हूँ कि कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे कोई अभिशाप है, अभी अपने कर्मों का अभिशाप, कुछ नहीं। इसलिए गुरु देशना लब्धि इसलिए लिखी है, दो लब्धियों में व्यक्ति को महसूस होता है, छह उपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। ये दो लब्धियों में कोई नहीं, स्वाभाविक घटना है, ये औदयिक भाव नहीं, पारनामिक परिणाम जैसे है, अपने आप भाव आता है, अपने आप परिणाम आता है कि मेरे अच्छा करने का भाव क्यों नहीं हो रहा है, अपने आप आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत मार्ग पर जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुदेवों के पास जा रहा हूँ। कभी तुम्हें ऐसा महसूस होने लग जाए कहीं धोख देते समय, अगरबत्ती लगाते समय, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गलत फंस रहा हूँ, मैं गलत गुरु के चक्कर में फंस रहा हूँ, कभी ऐसा महसूस हो जाए कि मुझे अंदर से आएगा बात, मैं गलत गुरु के चक्कर में पड़ रहा हूँ, मेरा अच्छा करने का मन ही नहीं हो रहा है, मेरा शराब पीने का मन क्यों हो रहा है, मैं जैन हूँ, मेरे माता पिता जैन हैं,
फिर भी मैं गुरु मेरे जैन हैं, मेरा शराब पीने का मन हो रहा है, मेरा गुटखा खाने का मन हो रहा है, मैं रात्रि भोजन करने का मन हो रहा है, मेरा अभक्ष खाने का मन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये परिणाम तुम्हारा जो आए यही है क्षय उपशम लब्धि। क्षय उपशम लब्धि में सत्य असत्य का कोई ज्ञान नहीं, फीलिंग होती है, परिणाम होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और विशुद्धि लब्धि में क्या होता है? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं पीऊंगा शराब। लेकिन अभी चलेगा नहीं मार्ग, तुम्हें मालूम है कि लोग पिला देंगे और मैं पी लूंगा, लेकिन ज्ञान बोल रहा है नहीं, गलत कर रहा हूं। तो तुरंत दौड़ लगाना कि तुम्हें बीमारी का पता चल गया, बीमार हो, और दर्शन मोहिनी की कूटनीति तुम्हारे पास है। दर्शन मोहिनी कहती है मैं तुझे मंदिर नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें गुरु के पास नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों के पास भेजूंगी। ये दर्शन मोहिनी की कूटनीति है, बहुत कूटनीति। चेत जाओ, चिता रहा हूं, तुम कुदेवों के पास नहीं जा रहे। दर्शन मोहिनी कहती है ये सच्चे देव के साथ ना चला जाए, ये मंदिर ना चला जाए, ये रात्रि भोजन ना छोड़ देवे, ये शराब पीना ना छोड़ देवे। चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी तुझे उल्टी उल्टी संगति कराता है, बुरे लोगों की संगति कराएगा, शराबियों के अड्डे पर भेजेगा। ये दोनों कर्म बहुत कूटनीतिज्ञ हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बिगाड़ देते हैं, जिनके माँ बाप वृत्ति हैं, जिनके कुल में मुनि महाराज हुए हैं, यहाँ तक कि महानुभाव जो तीर्थंकर के कुल में जन्मा, तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर ने सिर पे हाथ फेरा, ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी इतने कूटनीतिज्ञ हैं कि वो छोरे को भी धर्म से दूर कर देते हैं। इतनी कूटनीति है, मारीच को दूर कर दिया। आदिनाथ भगवान का पोता था, आदिनाथ भगवान की गोदी में खेला, उंगली पकड़ के चलाया, हाथ फेरा, साक्षात उनके साथ दीक्षाली समोषण में गया। दर्शन मोहिनी कहता है ये तो मामला बिगड़ गया, इसको कौन रोकेगा समोषण में जाने से, कौन रोकेगा इसको मुनि बनने से, कौन रोकेगा ध्यान करने से? तीर्थंकर का पोता है, ब्रजोत्सव नारायण संगनधारी है। दर्शन मोहिनी ने अपनी कूटनीति चलाई और इससे का क्या कर रहा है यहाँ पर, इनके अंडर में रहेगा? तू खुद भगवान है, बस अहंकार पैदा किया, समोसर से बाहर दौड़ कर आया और दर्शन मोहिनी के चक्कर में ऐसा पड़ा ऐसा पड़ा, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक दर्शन मोहिनी के चक्कर में पड़ा रहा।